हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ देवोलीना चौधरी एंड वेलकम बैक टू द यूजीसी नेट साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज एट अवियन आईएएस एकेडमी। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे, ये हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में मेथड्स इन साइकोलॉजी, सो उसको ही हम आज कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि इंट्रोस्पेक्शन एज ए मेथड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन एज ए मेथड क्या होता है, उसका जो जो डिफरेंट टाइप्स है, जैसे एडेड, अनएडेड, नेचुरलिस्टिक, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, देन पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में हमने क्या जाना कि एक्सपेरिमेंटेशन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाई एक्सपेरिमेंटेशन इज द मोस्ट साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा और कलेक्टिंग फैक्ट ऑन बिहेवियर। एंड नेक्स्ट हमने जाना कि केस स्टडी मेथड क्या होता है। बेसिकली इट इज़ इन डेप्थ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन डेप्थ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल। सो ये जो केस स्टडी मेथड है, ये बहुत सारे क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ होते हैं, जैसे कि कोई इंडिविजुअल को कोई डिसऑर्डर हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, तो उस डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में जानने के लिए उसके पास्ट हिस्ट्री जानते हैं कि उसका जो डेवलपमेंट था वो कैसे हुआ था, उस डेवलपमेंट में फैमिली का क्या इन्फ्लुएंस था, सोसाइटी में उसका स्कूल का क्या इन्फ्लुएंस था, पीयर ग्रुप का क्या इन्फ्लुएंस था, फिर जाके फैमिली में और किसी को इस तरह का डिसऑर्डर है या नहीं है। सो ये सब के बारे में हम वो जो इंडिविजुअल है उससे भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, उससे भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एंड बेसिकली इन क्लिनिकल सेटिंग दिस केस स्टडी मेथड इज़ वेरी वाइडली यूज्ड टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, देयर प्रॉब्लम, देयर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि क्यों ऐसा हुआ, हाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डेवलप्ड। ठीक है, तो ये केस स्टडी मेथड में हम जैसे कहा कि हमने इसमें जो यूज़ करते हैं, जो इंटरव्यू प्रोसेस हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन बाय दिस केस स्टडी मेथड। अच्छा, नेक्स्ट हम जो मेथड के बारे में बात करेंगे वो है सर्वे। सर्वे इज नथिंग बट वेरी ऑपोजिट ऑफ दिस केस स्टडी मेथड। केस स्टडी में हम क्या करते हैं कि फोकस करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसके हम इन डेप्थ समझते हैं, और सर्वे में हम क्या करते हैं, हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमको बहुत जल्दी चाहिए, तो कुछ ही टाइम में हम एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के ऊपर हम कुछ ही टाइम पीरियड में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमको जानना है कि कोई कंपनी है, उसको जानना है कि उसका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से मानो कि टूथपेस्ट हो या कोई डिटर्जेंट पाउडर हो, तो उसको जानना है कि उस प्रोडक्ट से उसका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको और क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए एक फॉर्म बनाते हैं कि उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस रखते हैं। सो उस क्वेश्चंस मानो कि 10,000 15,000 लोगों के ऊपर वो देते हैं, और उससे जो फीडबैक मिलता है उस इंफॉर्मेशंस को वो यूटिलाइज करके उस प्रोडक्ट को फिर से मॉडिफाई करते हैं या डेवलप करते हैं या कोई नया प्रोडक्ट जनरेट करता है। सिमिलरली ये सर्वे जो है, ये सर्वे हमारी साइकोलॉजी में भी या बिहेवियरल साइंस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि मानो कि कोई ओपिनियन चाहिए कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट अबॉर्शन। ठीक है, अबॉर्शन के बारे में क्या ओपिनियन है हमारे, ये जो दिल्ली है यहाँ पे जो यंग एडल्ट्स है यहाँ पे, व्हाट इज़ पीपल्स ओपिनियन अबाउट अबॉर्शन, तो उसके रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन सेट करेंगे। फिर ऐसे ही हम 5-10 हज़ार लोगों से जाके पूछेंगे कि उसका क्या राय है, सो उससे हमको एक आइडिया जनरेट होता है कि व्हाट इज़ द इन जनरल ओपिनियन। तो सर्वे इज़ लाइक दैट। सर्वे कभी कभी हम इसीलिए भी सर्वे करते हैं क्योंकि हमको जानना है कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स कोई पॉपुलेशन में कितना है। जैसे मानिए कि फॉर एग्जांपल ये दिल्ली के पॉपुलेशन में कितना डिजेबिलिटी पॉपुलेशन है, लाइक पॉपुलेशन विद डिजेबिलिटी कितना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए
जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे जाके जो जो डिसेबिलिटी के अंडर रजिस्टर करते हैं वो डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो, या आप घर घर जाके एक सर्वे कर सकते हो कि आपके घर में क्या कोई इंडिविजुअल है विद एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आता है तो एक विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड एक आइडिया जनरेट होता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एनी सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो दिस इज वाई सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ वेरी यू नो विद इन अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड। अब सर्वे में एक चीज मैं बार बार रिपीट कर रही थी कि क्वेश्चंस क्वेश्चंस करते हैं, उस क्वेश्चंस एक फॉर्म बनाते हैं, एक फॉर्म के अंदर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिस क्वेश्चंस का आंसर से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। सो बेसिकली दिस इज नोन एज द क्वेश्चनियर मेथड। सो सर्वे में हम एज ए टूल इस क्वेश्चनियर को बहुत यूज करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सर्वे, और सर्वे में हम कभी कभी फेस टू फेस इंटरव्यू भी यूज कर लेते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा हम सर्वे में क्वेश्चनियर ही यूज करते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज या लॉन्गिट्यूडिनल मेथड क्या होता है? दिस इज बेसिकली एम्प्लॉयड इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल, ये लॉन्ग से ही लॉन्ग ये टर्म से ही पता चलता है कि बहुत दिनों तक ये मेथड बहुत दिनों तक ये मेथड अप्लाई करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि हमको जानना है कि टाइम के साथ साथ एज के साथ साथ मेमोरी में क्या चेंजेस आता है, ठीक है। अगर ये जानना है तो हम एक हम 2 साल से लेके 30 साल, ठीक है, 2 ईयर से लेके 30 ईयर तक हम ले लेते हैं। 2 ईयर के हम 500 बच्चे लेते हैं, ठीक है। वो 500 बच्चे का एक मेमोराइजेशन कैपेसिटी हम एक स्टडी करते हैं। फिर 2 साल बाद हम वही बच्चे का फिर से 2 साल बाद इन बच्चे का कितना उम्र होगा, 4 साल, तब हम एक बार मेमोराइजेशन कैपेसिटी स्टडी करते हैं। फिर ऐसे 2 साल गैप देके 30 ईयर तक इन्हीं 500 जो बच्चे हैं उनको हम लगातार स्टडी करते हैं। तो उससे हमको एक पैटर्न पता चलता है कि डेवलपमेंटल जो चेंजेस है उसके हिसाब से मेमोराइजेशन जो कैपेसिटी है उसमें क्या चेंजेस आता है। वैसे हम और भी कुछ स्टडी कर सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ये डेवलपमेंटल के साथ साथ इंटेलिजेंस में क्या चेंजेस आता है, लर्निंग कैपेसिटी में क्या चेंजेस आता है, ये सब भी हम स्टडी कर सकते हैं। एज इट इज टेकिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इज वाई इट इज नोन एज अ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। क्रॉस सेक्शनल मेथड, द नेक्स्ट मेथड इज क्रॉस सेक्शनल मेथड। इसमें क्या होता है, दिस इज ऑल्सो जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। लॉन्गिट्यूडिनल में एक लेंथ ऑफ टाइम पीरियड के हिसाब से स्टडी किया जाता है एक ही ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स को। और क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, सेम एग्जाम्पल देके अगर मैं बोलूँ कि मुझे जानना है कि डेवलपमेंटल चेंजेस का क्या इफेक्ट है ऑन मेमोराइजेशन, तो एक रिसर्चर एक ही टाइम में 100 बच्चे लेगा 2 साल का, 100 बच्चे लेगा 5 साल का, 100 बच्चे लेगा 10 साल का, 100 बच्चे लेगा 20 साल का, और 100 बच्चे लेगा 30 साल का, 25, 30, ठीक है। सो ऐसे अगर ग्रुप कर ले तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ले लिया, डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ले लिया, और उनको एक ही टाइम में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उनको स्टडी कर लिया कि उनका मेमोराइजेशन कैपेसिटी क्या है। फिर ये इतना सारा जो ग्रुप है इसका मेमोराइजेशन कैपेसिटी कंपेयर करके पता चलता है कि
डेवलपमेंटल जो इफेक्ट होता है मेमोराइजेशन कैपेसिटी में वो क्या होता है, ठीक है। और भी हम जान सकते हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ कि बच्चे का फिजियोलॉजी में कैल्शियम डिपॉजिट कैसे होता है, इसको भी हम या तो लॉन्गिट्यूडिनल या तो हम क्रॉस सेक्शनल मेथड के हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन मेथड्स जहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडिनल एंड ये क्रॉस सेक्शनल दोनों ही एक साथ एम्प्लॉय किया जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट मेथड इज कोरिलेशनल रिसर्च और कोरिलेशनल मेथड। सो अब हम जानेंगे कि कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन इज नथिंग बट एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे कि हमको जानना है कि एज के साथ एकेडमिक जो अचीवमेंट है उसका क्या कोरिलेशन है। एक चीज़ हमको याद रखना है, ये जो कोरिलेशन है और ये जो एक्सपेरिमेंट है, इन दोनों में अंतर क्या है। एक्सपेरिमेंट में भी हम वेरिएबल्स के बीच रिलेशंस देखते हैं, लेकिन उसमें हम एक चीज़ जो देख पाते हैं कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कि एक वेरिएबल के चेंज होने के वजह से दूसरे वेरिएबल के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आया है, ठीक है। लेकिन कोरिलेशन में हम ऐसा कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं देखते हैं। हम कोरिलेशन में क्या देखते हैं, हम कोरिलेशन में देखते हैं खाली दो वेरिएबल, क्या उन दोनों के बीच कोई क्या कोई रिलेशन है, क्या कोई एसोसिएशन है। दूसरे टीचर भी आएंगे तो क्या करूं मैं, मतलब मुझे क्या करना है फिर, मतलब 2-3 मिनट के अंदर ही करके एंड कर दो। अच्छा, एंड कर दूं मैं? 5 मिनट लगेगा, 2-3 मिनट नहीं। अच्छा, सो हम क्या जान रहे थे कि कोरिलेशन रिसर्च में हम एसोसिएशन देखते हैं, एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे मानो कि हमने दो वेरिएबल ले लिया कि स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस जो है और उसका एकेडमिक अचीवमेंट जो है, तो उसके बीच क्या कोई रिलेशनशिप है। सो दैट इज बेसिकली अ कोरिलेशन। अगर किसी बच्चे का, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का अगर इंटेलिजेंस हाई है, तो कोरिलेशन, तो एकेडमिक अचीवमेंट जो है तो वो क्या उसके साथ साथ बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, वो देखना है। अगर इंटेल एक वेरिएबल इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल भी अगर इंक्रीज होता है, तो उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर इंटेलिजेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ अगर मेरा एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो भी इंक्रीज होता है, तो हम कहेंगे कि इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट के बीच एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। बट हम ये नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंस के लिए ही एकेडमिक अचीवमेंट हाई हुआ है, क्योंकि एकेडमिक अचीवमेंट के लिए इंटेलिजेंस के अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। अगर इंटेलिजेंस बढ़ने से एकेडमिक अचीवमेंट कम होता है, तो हम कहेंगे कि इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट के बीच एक नेगेटिव कोरिलेशन है। सो बेसिकली दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन दैट वी सी इन कोरिलेशनल रिसर्च। एंड कोरिलेशन का जो रेंज होता है दैट इज +1 to -1। अगर +1 होता है तो उसको हम कहते हैं कि एग्जैक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड अगर -1 होता है तो उसको कहते हैं एग्जैक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द मेथड्स इन साइकोलॉजी। अगर आपको कोई डाउट्स है इसमें, तो यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू गिव यू सम क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, जो मैंने लास्ट दो इस क्लास में और पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया है,
उसके ऊपर। सो आप क्वेश्चंस देखिए और क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।